सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये भी ऑगस्ट कॉम ने उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में एक्चुअली ऑगस्ट कॉम क्योंकि फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, उन्होंने सोशियोलॉजी को बनाया है, उन्होंने टर्म बनाई, उसके बाद उन्होंने कुछ बातें कहीं सब्जेक्ट मैटर के बारे में। सब्जेक्ट मैटर मीन्स कि एक सब्जेक्ट किन किन चीजों के साथ डील करता है, टोटैलिटी ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट किन चीजों के साथ डील करता है, जैसे सोशियोलॉजी में क्या क्या डील होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल कल्चर है, ट्रेडिशन है, वैल्यूज, नॉर्म्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स, सोशल चेंज, सोशल प्रोसेसेस, ये सारा इसका सब्जेक्ट मैटर है। अब ऑगस्ट कॉम बताते हैं, द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, वो हमें बताते हैं कि इसका जो है इसका सारा का सारा सब्जेक्ट मैटर, इसके हम दो हिस्से कर सकते हैं, एक तो सोशल स्टैटिक्स में रहेगा, दूसरा सोशल डायनेमिक्स में रहेगा। अक्सर मैं कहता हूं आपको कि पहले जो बेसिक टर्म होती है इंग्लिश मीनिंग उसका समझना चाहिए। स्टैटिक्स सिंपली ये फिजिक्स से निकली है, दोनों टर्म्स फिजिक्स से निकली है। स्टैटिक्स मतलब वो चीजें जो स्टैटिक होती हैं, जैसे मकान हुआ, इमूवेबल जो होती है, स्टैटिक्स, ये इसका लिटरल मीनिंग बता रहा हूं। उसके बाद डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मीन्स एवरीथिंग विच चेंजेस इन द सोसाइटी, एवरीथिंग विच चेंजेस। तो उन्होंने दो चीजों की, सारे के सारे कंपोनेंट्स जो सोसाइटी में है, सारे का सारा सब्जेक्ट मैटर जो सोशियोलॉजी का है, उसके इन्होंने दो हिस्से किए हैं, एक तो स्टैटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स में क्या कहते हैं, ये जो डिवीजन उन्होंने बताया ये किसके बारे में है, ऑगस्ट कॉम ने डिवाइड किया है एक्चुअली सोशियोलॉजी को दो मेन सब फील्ड्स में, दो कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करते हैं दो डिवीजन्स को। किस चीज के डिवीजन, जो मैंने अभी कहा सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। इन द फर्स्ट जो डिवीजन ये है जिसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, उसमें इन्होंने इंक्लूड किया है बड़ी बड़ी सोशल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे इकोनॉमिक्स है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, भी उन्होंने मार्क्स ने भी इस पे बहुत इंपॉर्टेंस बताई है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है इंस्टीट्यूशन। और बड़ी इंस्टीट्यूशंस में, इसमें दो टाइप की इंस्टीट्यूशंस होती है, एक तो मेजर इंस्टीट्यूशंस या मैक्रो इंस्टीट्यूशंस, दूसरा होता है छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस जिनको हम माइक्रो इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। बहरहाल स्टैटिक्स में एक तो बड़ी इंस्टीट्यूशंस आती है, इकोनॉमिक्स आती है, फैमिली, पॉलिटिक्स, ये चीजें इसमें आती है। इट आल्सो इंक्लूड्स स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, जो रिलेशन इंटर रिलेशनशिप होती है बिटवीन सच इंस्टीट्यूशंस। एक तो ये इंस्टीट्यूशंस खुद आएंगी सोशल स्टैटिक्स में, और इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, इकोनॉमिक्स और फैमिली की रिलेशनशिप क्या है, फैमिली और पॉलिटिक्स की रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप भी स्टैटिक्स का पार्ट आएंगी। और स्टैटिक्स में आता है लॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, किस चीज के बारे में एक्शन रिएक्शन, बिटवीन डिफरेंट सोशल सिस्टम्स, क्योंकि सोसाइटी इज बेस्ड ऑन सो मेनी सिस्टम्स, मेनली चार सिस्टम होते हैं, वो आगे अगर आपका आर.के. मर्टन पढ़ना होगा वो उसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बहरहाल जैसे सोसाइटी में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इसी तरह सोसाइटी में बहुत सारे सिस्टम्स भी होते हैं, एक्चुअली चार सिस्टम होते हैं, अडाप्टेशन एक होता है, गोल अटेनमेंट दूसरा सिस्टम होता है, इंटेग्रेशन तीसरा सिस्टम होता है, और लेटेंसी, ये चार सोशल सिस्टम्स है। सोसाइटी के चार डिफरेंट जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन पे सोसाइटी आधारित होती है और जिनसे सोसाइटी फंक्शन करती है, उन सोशल सिस्टम्स की रिलेशनशिप आपस में, वो भी सोशल स्टैटिक्स का पार्ट है। अब ऑगस्ट कॉम जो है, इनका मानना था दैट जैसे कोई ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा कोई ऑर्गेनिज्म होता है जिसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसी तरह सोसाइटी भी जो है इट आल्सो एग्जिस्ट्स एंड इट आल्सो फंक्शंस लाइक एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर एक ऑर्गन में किसी जगह कोई प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम सारे के सारे ऑर्गन्स में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ ए काउ, शी हैज लेग्स, इट हैज लेग्स, इट हैज ईयर्स, इट हैज हार्ट, इट हैज लंग्स, और फॉर दैट मैटर हम ह्यूमन की एग्जांपल लेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो ऑगस्ट कॉम का मानना था दैट ये जो इसी तरह जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव If there is any problem in one part of the organism, अगर एक organ में problem है तो ये सारे का सारा organism ये function नहीं करेगा properly। इसी तरह society के लिए सारे के सारे जो हमने कहा systems, चार के चार systems और बहुत जो इसमें institutions होती हैं, वो सारी की सारी institution ये भी important होती है। एक institution को आप बाहर निकालोगे, system जो है system function नहीं करेगा,
इट विल नॉट एग्जिस्ट, इट कैन नॉट सर्वाइव। स्टैटिक्स को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने इसके दो पार्ट बनाए हैं, दो मेन पार्ट्स। पहले पार्ट में इन्होंने रखा है तीन सब पार्ट्स को। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सोशल स्टैटिक्स, हम स्टैटिक्स बता रहे हैं, इसमें इन्होंने तीन सब पार्ट्स को इंक्लूड किया है। पहला ह्यूमन माइंड, ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन एक्शन, ये स्टैटिक्स में इन्होंने रखा है। ह्यूमन माइंड में फिर फर्दर इन्होंने क्या क्या रखा है, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन। आई विल रिपीट, ह्यूमन माइंड में फर्दर सब कंपोनेंट्स विल बी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन। ह्यूमन हार्ट जो दूसरा सब कंपोनेंट है, इसके फर्दर सब कंपोनेंट्स आएंगे इमोशंस, ईगो एंड डिजायर। देन तीसरा दोस्त जो सब कंपोनेंट होगा दैट इज एक्शन। पहला माइंड हुआ, दूसरा हार्ट, तीसरा एक्शन। एक्शन के अलग कंपोनेंट्स आएंगे कॉरेज, स्टेडफास्टनेस, स्टेडफास्टनेस का मतलब होता है साबित कदमी। तीसरा प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है एहतियात। तो ये एक्शन में आएंगे। ये पहले पार्ट में तीन सब पार्ट बोले हैं ऑस्टकॉम ने, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन एक्शन। अब जो दूसरा पार्ट इन्होंने कहा सोशल स्टैटिक्स का, उसमें इन्होंने रखा है रिलीजन को, उसमें इन्होंने रखा है फैमिली को, लैंग्वेज को। और लैंग्वेज इनके मुताबिक, ऑगस्ट कॉम के मुताबिक, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी। अगर लैंग्वेज डाई हो जाएगी, ये मर जाएगी, सारा का सारा कल्चर मर जाएगा। बिकॉज ऑगस्ट कॉम कहते हैं लैंग्वेज वो वेसल होता है जिसमें सारा का सारा कल्चर स्टोर होता है। लैंग्वेज खत्म तो सारा का सारा कल्चर खत्म। ये फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ऑगस्ट कॉम की बात कर रहा हूँ। और आप खुद अंदाजा लगाए अगर आपकी कश्मीरी लैंग्वेज खत्म हो जाती है तो आपके पास क्या क्या मौजूद रहेगा, इस पर थोड़ा आप घर में शाम को सोचिए। और उसके बाद, इसके बाद इसमें रखा है प्रॉपर्टी को, जिसमें गुड्स आएंगे, जो वो गुड्स जो इमूवेबल होते। मैंने पहले कहा स्टैटिक्स में वो चीजें आती हैं जो इमूवेबल नहीं होती आमतौर पे। तो इसमें प्रॉपर्टी में फिर कौन चीजें आएंगी, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होती है, जैसे लैंड है, आपका मकान है, आपकी दुकान है, वगैरह वगैरह। तो ये स्टैटिक्स की बात होगी। अब दूसरा डायनेमिक्स, ये तो बड़ा ईजी है। डायनेमिक्स में सारी चीजें आती है जो मूव, जो चेंज होती है, विच मूव फ्रॉम मीन्स विच मूव विथ टाइम एंड विथ स्पेस और विथ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो डायनेमिक्स में ऑगस्ट कॉम ने मेन फोकस रखा है ऑन हाउ सोसाइटीज चेंज्ड, ये चेंज कैसे होती है सोसाइटी। जैसे इसमें डायनेमिक्स में आप फर्दर फिर डाल सकते हैं लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस भी, पहला थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव स्टेज, वो भी आप इसमें फर्दर डाल सकते हैं। तो डायनेमिक्स में जिसका वो सारी चीजें आती हैं कि सोसाइटी, जो सोसाइटी में चेंज होती है, और ये भी कि हाउ सोसाइटी चेंज, हाउ इसके रीजन क्या है, इसके कारण क्या है, एंड डेवलप कैसे होती है सोसाइटीज थ्रू टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ जो टाइम लाइन होती है, हिस्ट्री की टाइम लाइन, उसमें सोसाइटीज कैसे डेवलप होती है, कैसे चेंज होती है, उसको डायनेमिक्स में रखा गया है। ये इट गिव्स अ लार्जर पिक्चर ऑफ चेंज ऑफ सोसाइटीज, एक बड़ी सी पिक्चर आपको देता है कि सोसाइटीज कैसे चेंज हुई है, पहले आज से हजार साल पहले क्या था थियोलॉजिकल स्टेज में, उसके बाद मेटाफिजिकल स्टेज में क्या था, कैसी सोसाइटीज थी, कैसे बादशाह लोग हुकूमत करते थे, कैसा कल्चर था, कैसी सिविलाइजेशन थी। और डायनेमिक्स में ये भी इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मेन फंक्शंस ऑफ अ सोसाइटी आर ऑल्टर्ड। जब हम मेन फंक्शंस को, अभी हमने कहा कि चार सिस्टम होते हैं, अगर एक सिस्टम में कोई खराबी होगी सारे के सारी सोसाइटी में खराबी होगी। अब यहाँ पे वो तो डायनेमिक्स में स्टैटिक्स में कहा था। अब डायनेमिक्स में हम ये देखते हैं, ये इंक्लूड करते हैं दैट इफ वन सिस्टम इज ऑल्टर्ड, इफ वन सोशल इंस्टीट्यूशन इज ऑल्टर्ड, व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज डायनेमिक्स का मतलब ही है चेंज। इट हैपन्स, ये किस किस चीज में आता है, अगर चेंज आती है, अगर डायनेमिक्स आता है, किन किन कंपोनेंट्स में आता है, फिजिकल कंपोनेंट में आता है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी जो आपके इर्द गिर्द होते आप देखते हो, और मॉरल कंपोनेंट, रिलीजन, थियोलॉजी, मॉरलिटी, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, उनमें चेंज आता है, उस कंपोनेंट में चेंज आता है, वो डायनेमिक्स है। इंटेलेक्चुअल स्फीयर्स में आइडियोलॉजी चेंज होती रहती है, नए नए ख्यालात, नए नए आइडियोलॉजीज, नया नया कॉन्सेप्ट्स, नया नया मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर आता रहता है, ये सारा भी डायनेमिक्स का पार्ट है। इसलिए इसने इसका मानना था, ऑगस्ट कॉम का मानना दैट चेंज इज ए सोशल नेसेसिटी,
चेंज एक नेसेसिटी है, और यहीं पे इसी डायनेमिक्स में इन्होंने फिर आप फिर मजीद यू कैन ऐड, अगर इसमें फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल 12 मार्क्स या 15 मार्क्स का क्वेश्चन सोशल डायनेमिक्स पे नोट लिखना है, 15 मार्क्स 12 मार्क्स का डायनेमिक्स में ये चीज लिखेंगे आप कि डायनेमिक्स का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है जो चेंज होती है, फिर इसी में आप डालोगे लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. आई थिंक दिस विल बी एनफ फॉर टुडे सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स.